अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करती हैं आज की वीडियो। रिसेंटली इकरा अजीज़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने नए शहजादे कबीर हुसैन की तस्वीरें और वीडियोस आए दिन लगाती ही रहती हैं। कभी नाते सुनाते हुए अपने वीडियो को बेटे की वीडियोज़ लगा रही होती हैं और कभी जो उनको इन्जॉय कराते हुए गाने सुनाते हुए। इनके बेटे कबीर हुसैन को लोग बेइंतहा प्यार करते हैं। इकरा अजीज़ अपने ड्रामों की वजह से जितनी मशहूर हुई हैं, इतनी जल्दी शादी करके बहुत जल्द इनका बेटा भी हो गया और अब 1 साल का बेटा होने के बाद इकरा अजीज़ दोबारा ड्रामों में भी काम करने लगी हैं। लेकिन इकरा अजीज़ के साथ साथ यासिर हुसैन भी अपनी फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन लोग इनके बेटे को देखना भी बेइंतहा पसंद करते हैं। इसीलिए इकरा अजीज़ आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने नन्हे शहजादे कबीर हुसैन की तस्वीरें और वीडियो लगाती हुई नजर आती हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने बेटे कबीर हुसैन की जैसे ही वीडियोज़ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाई, लोग देखते रह गए कि कबीर हुसैन देखते ही देखते इस कदर बड़े हो गए कि अपने बाबा यासिर हुसैन के साथ फार्म में काम करते हुए भी नजर आए। लोग इकरा अजीज़ को जितना देखना पसंद करते हैं, उतना इनको ट्रोल भी करते हैं। हमेशा इकरा अजीज़ को इनके छोटे कद के होने के यासिर हुसैन से अपनी से बड़ी उम्र से आदमी से शादी करने पर ट्रोल किया जाए या किसी और बात से, इकरा अजीज़ कभी भी अपने हेटर्स को कोई जवाब नहीं देती। इकरा अजीज़ की ड्रेसिंग को लेके भी लोग बहुत ज़्यादा इनको तदकीन का निशाना बनाते हैं और इकरा अजीज़ बिना किसी परवाह किए अपनी ज़िंदगी काफ़ी इंजॉय करती हुई नज़र आती हैं। ड्रामों में अपने बेइंतहा किरदार करके इन्होंने लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा अच्छी जगह बना ली है। रांझा रांझा में इन्होंने भोले के बीवी का किरदार अदा किया, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनको लोगों ने पसंद किया। सुनो चंदा में एक चिलबुली लड़की का किरदार करके भी इन्होंने लोगों के दिलों में बेइंतहा जो है अपने लिए प्यार डाल दिया। आपकी क्या राय है इकरा अजीज़ के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो इस चैनल में आपको मेरी तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए जी, ख़त्म करते हैं यहाँ पर वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस अदाकार के ऊपर वीडियो देखना चाह रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए।